नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। नहाने के बाद या फिर पहले हाथ पैर सुखाने के लिए हर कोई तौलिए का इस्तेमाल करता है, पर क्या आप जानते हैं रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले इस तौलिए की साफ सफाई पर अगर अच्छे से ध्यान ना दिया जाए तो यह आपको बीमार तक कर सकता है। जी हाँ, अक्सर तौलिए पर गीला शरीर या हाथ पैर पोंछने पर शरीर पर लगे जर्म्स तौलिए पर चिपक जाते हैं, जहाँ कीटाणुओं को नमी मिलने पर वो बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसे में अगर वो या कोई दूसरा व्यक्ति उस तौलिए का इस्तेमाल कर लेता है तो वो सारे कीटाणु और बैक्टीरिया फिर से इस्तेमाल करने वाले की बॉडी पर आ जाते हैं। ऐसे में तौलिए से खुद को बीमार होने से बचाने के लिए चलिए आपको बताते हैं कि तौलिए को कितने दिन में धोना चाहिए। अगर आप तौलिए को बिना धोए ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल करते रहते हैं तो उस पर गंदगी और बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं और आपके यूज करने पर आपकी त्वचा पर चिपक जाएंगे। इसकी वजह से आपको मुहासे, एक्जिमा, रैशेस और दाद जैसे त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, अगर आप पहले से ही किसी स्किन प्रॉब्लम से परेशान हैं तो गंदे तौलिए का इस्तेमाल उनके लक्षणों को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। ऐसे में स्किन स्पेशलिस्ट सलाह देते हैं कि तौलिया इस्तेमाल करने के बाद उसे धूप में ज़रूर सुखाना चाहिए ताकि उसमें मौजूद छोटे बड़े बैक्टीरिया मर जाए। हालांकि बात अगर टॉवल हाइजीन की करें तो तौलियों को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए उसे धूप में सुखाना ही काफ़ी नहीं होता। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि तौलिया कितने दिन में धोना चाहिए तो रिपोर्ट्स के अनुसार नहाकर यूज़ करने वाला तौलिया 3 से 4 बार बिना धोए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप रोज़ाना नहाते हैं तो हफ्ते में कम से कम 2 बार तौलिया ज़रूर धोएं। इसके अलावा आपको अपना तौलिया अपने पार्टनर या बच्चों के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप उनकी सेहत को भी खतरे में डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही हमारे चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।